हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एच ए हाउस प्लान। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 फीट बाई 30 फीट का हाउस प्लान के बारे में। दोस्तों स्मॉल हाउस है दोस्तों, लो कॉस्ट के लिए ये हाउस है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसी मॉडल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और वीडियो के अंत में हम लोग 2D प्लान को भी देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप लोग हर एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ सके दोस्तों। और आप लोग को अपने हिसाब से प्लान बनवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये इसकी एलिवेशन है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और इसमें एक पार्किंग भी है। दो डोर लगे हुए, एक पार्किंग डोर है, एक मेन डोर है, और इसकी टॉप व्यू है दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, 2D प्लान भी आप लोग को मिलेगी देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से एंट्री करते हैं छोटे वाले डोर से, जो हमारा एंट्रेंस डोर है, और साइड वाला डोर एक पार्किंग डोर है दोस्तों। हमारा इसमें इस प्लान में लेफ्ट और राइट में 3-3 फीट का स्पेस है, इसीलिए ये थोड़ा ये हमारा पार्किंग है, जिसकी साइज़ 10 फीट बाई 25 फीट है। 20 फीट हमारा कंस्ट्रक्शन है, 26 फीट है, 3 फीट 3 फीट दोनों साइड से है, और 10 फीट इसकी चौड़ाई है दोस्तों। तो ये हमारा मेन डोर है दोस्तों, जिसकी साइज़ 3.5 फीट है, और ये हम यहाँ से एंट्री करेंगे घर में। और हमें एंट्री करने के साथ ही एक दो डोर दिख रहे होंगे सामने में, एक लेफ्ट और एक राइट में। एक रूम का डोर है, एक किचन का है दोस्तों। हम लोग 2D प्लान में भी देखेंगे तो आप लोग को सब चीज़ समझ में आ जाए। ये हमारा किचन है दोस्तों, जिसकी साइज़ 10 फीट बाई 6 फीट है, और इसकी वेंटिलेशन दी गई है फ्रंट से और लेफ्ट साइड से। उसके बाद दोस्तों हम लोग बेडरूम नंबर 1 पे एंट्री करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये हमारा हॉल है दोस्तों, पहले एक बार हॉल में आते हैं, फिर हम लोग बेडरूम नंबर 1 में जाएंगे, तब समझ में आ जाएगा। ये हमारा बेडरूम नंबर 1 है दोस्तों, जिसकी साइज़ 10 फीट बाई 9.6 फीट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। हम वीडियो के लास्ट में 2D प्लान को भी देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग को अपने हिसाब से प्लान या डिज़ाइनिंग करवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से निकल करके दोस्तों फिर हम लोग हॉल में आएंगे। ये हमारा हॉल है, जिसकी साइज़ 13.6 फीट बाई 9 फीट है दोस्तों। ये स्मॉल हाउस है, 30 फीट बाई 20 फीट का, लो कॉस्ट में आप बना सकते हैं इसको। सॉरी, ये हमारा हॉल है दोस्तों। डिज़ाइन कैसा लग रहा है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये दोस्तों हमारा एक कॉमन टॉयलेट है, जिसकी साइज़ 5 फीट बाई 6 फीट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। टॉयलेट कम बाथरूम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और एक टॉयलेट और है इसी के बैक साइड में, जो कि रूम से अटैच है, वो भी हम लोग देखेंगे। ये है टॉयलेट, हमने दो डोर लगाए हुए हैं ताकि दिखाने के लिए इसी के, वो आप रूम से कनेक्ट कर सकते हैं इसको यहाँ पे वाल लगा करके। हमने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर भी डोर लगाए हुए और वहाँ पर भी, ताकि आप लोग हर चीज़ समझ में आ सके। यहाँ पे आप वाल की लगा देंगे तो आप रूम से कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारा बेडरूम नंबर 2 है दोस्तों, इसकी साइज़ की बात करें तो 10.6 फीट बाई 9 फीट है, और इससे वो टॉयलेट कम बाथरूम को कनेक्ट कर सकते हैं आप, या आप चाहे तो कॉमन भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बेडरूम नंबर 3 में चलते हैं। इसमें टोटल 3 बेडरूम है, 2 टॉयलेट, 1 हॉल है। ये हमारा बेडरूम नंबर 3 का डोर है दोस्तों, जिसकी साइज़ 9 फीट बाई 9 फीट है। ये बेडरूम नंबर 3 में एंट्री कर रहे हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग को अपने हिसाब से प्लान या डिज़ाइनिंग करवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये बेडरूम नंबर 3 है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ से निकल करके सीढ़ी से होते हुए फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे, और ये डुप्लेक्स हाउस है दोस्तों, तो हम सिर्फ ग्राउंड फ्लोर को ही देखेंगे। फर्स्ट फ्लोर का प्लान बिल्कुल सेम है, सिर्फ हमें पार्किंग वाले जो एरिया है उसमें हमने बालकोनी निकाले हुए हैं, जो हम आप लोग को अभी दिखाएंगे। बालकोनी है हमारा वहाँ पे पार्किंग वाले एरिया में, बाकी इस साइड का प्लान बिल्कुल सेम है दोस्तों। अभी हम लोग 2D प्लान को भी देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और आपको डिज़ाइन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें।
ये हमारा दोस्तों मेन इंट्रेंस था नीचे में, और ये हमारा पार्किंग था जिसमें हमने बालकनी निकाले और बालकनी रखे है। ये हमारा बालकनी है जैसा कि आप देख सकते हैं, वो भी बालकनी एक साइड में है दोस्तों, दूसरा साइड किचन की ओर में हमने ओपन ही रखा है ताकि वेंटिलेशन हो सके अच्छी तरह से। ग्राउंड में भी और टॉप में फर्स्ट फ्लोर में भी हमने ओपन ही रखा है ताकि इसकी वेंटिलेशन अच्छी से हो सके दोस्तों। विलेज के लिए ये प्लान है दोस्तों, बहुत ही स्मॉल है, छोटा है, और लो कॉस्ट के लिए भी कम बजट में आप कर सकते हैं इसको। आपके पास अगर बजट नहीं है और एरिया नहीं है तो आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। ये इसकी टॉप साइड टॉप का डिज़ाइन है दोस्तों, और ये इसकी टॉप से कुछ इस तरह से दिखेगी दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोग 2D प्लान को भी देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अभी हम थोड़ी देर में 2D प्लान को देखेंगे। ये थोड़ा सीन है दोस्तों, विलेज में तालाब वगैरह होते हैं उस टाइप से बनाया गया है इसको। ये इसकी राइट साइड की डिज़ाइन है दोस्तों, कुछ इस तरह से। हमारे इस प्लॉट में 3 फीट लेफ्ट में 3 फीट राइट में स्पेस है, इसीलिए हमने इसको रखा है और वेंटिलेशन के लिए। ये इसकी लेफ्ट साइड की है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे 3 फीट का स्पेस एक वाल लगा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको 2D प्लान को देखते हैं, 2D प्लान को हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये इसकी लेफ्ट साइड की डिज़ाइन है, और ये इसके सामने से एलिवेशन कुछ इस तरह से है। चलिए दोस्तों हम लोग 2D प्लान को देखते हैं। दोस्तों ये इसकी 2D प्लान है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये इसकी पार्किंग है 9.6 फीट और चौड़ाई टोटल 26 फीट। ये हमारा एंट्रेंस है 3.5 फीट। ये बेडरूम 1 है दोस्तों 10 फीट बाई 9.6 फीट। ये किचन है 10 फीट बाई 6 फीट। उसके बाद दोस्तों ये हमारा हॉल है 13.6 फीट बाई 9 फीट, और ये हमारा टॉयलेट है 5 फीट और चौड़ाई 6 फीट, और ये हमारा बेडरूम 2 है 10 फीट बाई 9.6 फीट जिसमें एक टॉयलेट अटैच है। ये टॉयलेट है 6 फीट बाई 3.6 फीट। ये बेडरूम 3 है दोस्तों ना 10 फीट बाई 9.6 फीट। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।